हेलो विद्यार्थी मित्रों, केम छो? धोरण 7 विषय अंग्रेजी यूनिट 4। यूनिट 4 में आपने एक्टिविटी नंबर 1 समझीशु। रीड एंड एंजॉय। पार्थ से, सर विल यू पनिश मी फॉर व्हाट आई डिड नॉट डू? पार्थे कहूं कि सर मैं जे काई करियो नथी तेनी सजा तमे मने करशो। टीचर से नो ऑफ कोर्स नॉट। शिक्षक कहूं कि ना कदिए नहीं। पार से आई हैव नॉट डन माय होमवर्क टुडे। पार्थे कहूं कि आजे मैं मारू गृह कार्य करियो नथी। हवे नीचे त्रण प्रश्नों आपेला छे ते जोईए। डीड पार्थ डू हिज होमवर्क? नो, पार्थ डीड नॉट डू हिज होमवर्क। बीजू जोईए, विल द टीचर पनिश पार्थ? तो यस, द टीचर विल पनिश पार्थ। त्रीजो जोईए, टीचर विल पनिश पार्थ बिकॉज ही हैज नॉट डन हिज होमवर्क। हवे आगळ जोईए, तुषार से जिगर योर फादर वॉज ब्लैक ए फ्यू मंथ्स अगो। तुषारे कहूं कि जिगर थोड़ा महीना पहला तारा पिता काला हता। बट नाउ ही इज लुकिंग वेरी फेर। पण हवे तेओ खूब ज गोरा देखाई रह्या छे। जिगर से यस यू आर राइट। जिगरे कहूं कि हाँ तारी बात साची छे। तुषार से डज ही अप्लाय फेरनेस क्रीम? तुषारे कहूं कि शू तेओ कोई फेरनेस क्रीम वापरे छे। जिगर से नो ही डजन। जिगरे कहूं कि ना ते वापरता नथी। तुषार से डेड ही कंसल्ट अ ब्यूटिशियन? तुषारे कहूं कि शू तेओ कोई ब्यूटिशियन नी सलाह ले छे। तो जिगर से सी बिफोर 2 मंथ्स ही वॉज वर्किंग इन एन ऑयल मिल एंड नाउ ही इज वर्किंग इन ए फ्लोर मिल। जिगरे कहूं कि जो 2 महीना पहला तेल नी कंपनी में काम करता हता अने हवे तेओ लोट नी मिल में काम करी रह्या छे। हवे आपणे नीचेना प्रश्नों जोईए। पहलू, डीड जिगर्स फाधर अप्लाय ए फेस क्रीम? तो नो, जिगर्स फाधर डीड नॉट अप्लाय अ फेस क्रीम। बीजू जोईए, डीड जिगर्स फाधर कंसल्ट अ ब्यूटिशियन? नो, जिगर्स फाधर डीड नॉट कंसल्ट अ ब्यूटिशियन। त्रीजू जोईए, डीड जिगर्स फाधर वर्क इन ए कोल मिल? तो नो, जिगर्स फाधर डीड नॉट वर्क इन ए कोल माइन। हवे आगळ જોઈએ, ટીચર સે વાય આર યુ લેટ ટુડે? શિક્ષકે કહ્યું કે આજે તો મોડો કેમ છે? ચિંતુ સે સર આઈ ગોટ અપ અ બીટ લેટ ટુડે। ચિંતુએ કહ્યું કે આજે હું મોડો ઉઠ્યો હતો। આઈ વોઝ ઇન એ હરી। હું ઉતાવળમાં હતો। આઈ પ્રેસ ધ ટૂથપેસ્ટ વેરી હાર્ડ એન્ડ ધ હોલ પેજ કેમ આઉટ। મેં ટૂથપેસ્ટને જોરથી દબાવી અને તેમાંથી બધી જ પેસ્ટ બહાર આવી ગઈ। આઈ ટ્રાઈડ વેરી હાર્ડ ટુ પુટ પેસ્ટ બેક ઇન ધ ટ્યુબ। મેં ટ્યુબમાં ફરીથી પેસ્ટ અંદર નાખવાનો પ્રયત્ન કર્યો। આઈ ટ્રાઈડ ફોર મોર ધેન એન અવર। મેં કલાકો સુધી તે પ્રયત્ન કર્યો। બટ આઈ ફેલ્ડ। પણ હું નિષ્ફળ ગયો। Then I started for school। પછી થી મેં સ્કૂલે આવવાનું શરૂ કર્યું। So I reached late। જેથી હું મોડો પડ્યો। હવે નીચે 3 પ્રશ્નો આપેલા છે તે જોઈએ। Did Chintu get up on time? તો no, Chintu did not get up on time। બીજું જોઈએ, Did Chintu put the paste back into the tube? Did he succeed? तो यस, Chintu tried to put the paste back into the tube। He did not succeed। त्रीजू जोईए, Did Chintu reach the school on time? तो no, Chintu did not reach the school on time। हवे आगळ जोईए,
फातिमा बीबी वांटेड टू गेट रीड ऑफ एन ओल्ड कैट। फातिमा बीबी एक घरडी बिलाड़ी थी छुटकारो मेळवा इच्छता हता। सी आस्क्ड हर हस्बंड मुल्ला नसरुद्दीन टू टेक द कैट टू ए नियर बाय फॉरेस्ट एंड लीव हर देर। तेणीए तेणीना पति मुल्ला नसरुद्दीन ने ते घरडी बिलाड़ी ने जंगल में छोड़ी आवा माटे कह्यु। आफ्टर अ फ्यू डेज थोड़ा दिवसों पछी मुल्ला वॉज नेरेटिंग दिस इंसिडेंट टू हिज फ्रेंड सिराजुद्दीन। मुल्ला नसरुद्दीन आ बनावनी बात पोताना मित्र सिराजुद्दीन साथे करी रह्या हता। मुल्ला से आई पुट द कैट इन टू ए बास्केट। मुल्लाए कह्यू के मैं बिलाड़ी ने टोपली में मूकी। वॉकड थ्रू अननोन स्ट्रीट रीच द फॉरेस्ट। घणी बधी अजाणी शेरीओ माथी पसार थई हूँ जंगल में पहुंचियो। आई टूक मेनी ट्रेल्स टर्निंग राउंड एंड रीच द डेन्स ग्रोव। मैं घणी बधी पगडंडीओ पर थी फरी फरी ने गाढ़ उपवन में पहुंचियो। देन आई ओपन द बास्केट एंड द कैट जम्पड आउट। पछी थी मैं टोपली खोली अने तेमाथी बिलाड़ी बहार आवी। सिरा से सो फाइनली यू गॉट रीड ऑफ द कैट। सिराजी कहू के हवे छेले तमे ते बिलाड़ी थी छुटकारो मेळव्यो। डीर फातिमा थैंक यू। सो फातिमाए तमारो आभार मान्यो। मुल्ला से नो फातिमा थैंक द कैट। मुल्लाए कहू के ना फातिमाए बिलाड़ीनो आभार मान्यो। सिरा से वाय सो। सिराजी कहू कि केम। तो मुल्ला से आई केम बेक होम बिकॉज ऑफ द कैट। हूँ घरे बिलाड़ीना कारणे पाछो पहुँच्यो। आई फॉलोड हर। मैं तेणीने अनुसर्यो। हवे नीचे त्रण क्वेश्चन छे जोईए। पहेलो डीड फातिमा बीबी लाइक द कैट। नो फातिमा बीबी डीड नॉट लाइक द कैट। बीजू डीड मुल्ला गेट रीड ऑफ द कैट। तो यस मुल्ला गॉट रीड ऑफ द कैट। त्रीजू डीड मुल्ला फॉरगेट द वे टू हिज होम। तो यस मुल्ला फॉरगॉट द वे टू हिज होम। तो विद्यार्थी मित्रों पीडीएफ द्वारा जे लेसन मोकलवामां आवे ते तमारे करवानुं रहेशे। थैंक यू।